नए कृषि कानून के विरोध में महागठबंधन द्वारा आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को लेकर भागलपुर में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जिले भर में मानव श्रृंखला बनाई। राजद, कांग्रेस, भाकपा माले सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताया और काला कानून करार दिया, जिसे जल्द से जल्द वापस लिए जाने की मांग भी की। आपको बता दें कि भागलपुर के सुल्तानगंज, नाथनगर, साकुंड, गोपालपुर, बीपुर, नारायणपुर, पीरपैंती, कहलगांव सहित सभी प्रखंडों में नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने आज मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, जरा यह भी सुन लें। जो केंद्र सरकार 3 कृषि बिल लाया है उसके खिलाफ में हम लोग पूरे राज्य में पूरे महागठबंधन के सभी दल आज मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है और जब तक इस बिल को वापस नहीं ले लेता है महागठबंधन पूरी तरह से इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम करेगा और लगातार आज मानव श्रृंखला करके हम लोग विरोध जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चय ही कल हम लोग दूसरा रूप अख्तियार करने का काम करेंगे और यह लगातार जारी रहेगा जब तक कि यह कृषि बिल वापस नहीं हो जाता है। क्योंकि ये जो केंद्र की सरकार है वो जो नए कृषि कानून जो लाए हैं वो सरासर किसान विरोधी है। किसान भाई इससे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, इसलिए वो कड़कड़ाती ठंड में कई दिनों से वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया देखिए, तो वो ठंड में बेचारे बैठे हुए हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, और केंद्र सरकार क्या कर रही है, उन पर लाठी चलवा रही है। ये कहाँ का न्याय है? क्या उन्हें सत्ता में इसलिए बैठाया गया था ताकि वो किसानों पर जुल्म कर सके जो हमारे अन्नदाता है, जिनके वजह से हमारा पोषण होता है? कहाँ का ये नाइंसाफी है? और सबसे बड़ी बात है ये बिल, कोई भी बिल अगर पास होता है तो वो बिना वोटिंग के नहीं पास होता है, और ये ऐसा बिल हुआ पहली बार जो कि संसद में बिना वोटिंग के पास किया गया। आखिर क्या ये रहस्य है? इधर पुलिस जिला नौगछा में भी महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल के नेताओं ने मानव श्रृंखला में शामिल होकर कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन जारी रखा। यहाँ भी विरोध में मानव श्रृंखला NH 31 से पंचायत स्तर तक बनाई गई। घटक दलों ने किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की गारंटी करने, धान खरीद की सीमा समाप्त करने, बिहार में मंडियों को फिर से बहाल करने सहित कई मांगों को लेकर मानव श्रृंखला का आयोजन किया। हालांकि इस दौरान मानव श्रृंखला में राजद कार्यकर्ताओं की उपस्थिति नगण्य रही। आज 3 काला कानून के विरोध में हमारे महागठबंधन के ओर से यह मानव श्रृंखला रखी गई है, जिसमें हम लोग तमाम महागठबंधन के साथी उपस्थित होकर इनका विरोध प्रकट करते हुए हम लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं। ये किसान के प्रति अन्याय केंद्र सरकार कर रही है, ये 3 काला कानून जो किसानों का हत्या कर रहा है, इसके विरोध में हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान के हित के रही है। यहाँ किसानी अदानी और अंबानी को देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से, तेजस्वी जी के आह्वान से, महागठबंधन के नेता के आह्वान से हम लोग एक मानव श्रृंखला का आयोजन किए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।